फ्रेंड कौन अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए टाइम और डिस्टेंस चैप्टर लेके आया हूं। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है कि एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है तथा स्कूल से घर 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आता है तो उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो बताइए कि स्कूल से घर के बीच की कुल दूरी कितनी है। देखते हैं, यह तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा स्कूल है। कह रहा है कि घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा स्कूल से घर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। समझ डेट, यहाँ से ज़्यादा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो उसे T1 समय लगता है और यहाँ से मान लेते हैं T2 समय मान लेते हैं और जाने और आने में उसे डिस्टेंस सेम है। जो जा रहा है और आ रहा है उसका डिस्टेंस सेम है। इसका एक फार्मूला होता है ट्रिक्स कि सेम डिस्टेंस फार्मूला होता है स्पीड और टाइम। स्पीड का उल्टा होता है टाइम। स्पीड कितनी है पहली 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कितनी है, ये है जाने में और ये है आने में 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका बताया है तुमको कि अब विपरीत होती है, इसकी हो जाएगी 2, इसकी 3। कह रहा है कुल 5 घंटे का समय लगता है। कुल 5 घंटे मतलब 5 यूनिट बताएगा 5 घंटे को, तो 1 यूनिट कितने बताएगी 1 घंटे को। तो चाहे इसमें पहले घंटा निकाल लीजिए, पहले जाने में निकाल लीजिए, चाहे जाने में हो जाएगा 2 घंटे और आने में 3 घंटे। तो जाने में स्पीड तुम्हारी दे चुकी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे चुकी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया है 2 घंटे। तुमको डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो घंटा से घंटा कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर आ जाएगी स्कूल से घर की दूरी 6 किलोमीटर पर घंटा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दूसरा पहले वाली क्वेश्चन की तरह से है। कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से स्कूल जाने में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा स्कूल से घर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो उसे कुल 5 घंटा 48 मिनट का समय लगता है और स्कूल से घर के बीच की कुल दूरी ज्ञात करनी है। सेम क्वेश्चन पहले बता चुके थे उनको। मान लो ये हमारा घर है और ये स्कूल है। कह रहा है कि घर से स्कूल जाने में इसकी चाल कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा तो उसे T1 समय लग रहा है और स्कूल से घर आने में उसे चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे T1 समय लग रहा है, T1 या T2 मान लेते हैं। सेम क्वेश्चन, डिस्टेंस जाने और आने में डिस्टेंस सेम है तो सेम डिस्टेंस जाने में चाल कितनी इसकी है और आने में, जाने में इसकी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और आने में इसकी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम डिस्टेंस, ये स्पीड हो गई और ये टाइम। और तुमको पहले बता चुके थे इस स्पीड होती है जो टाइम का अपोजिट होती है, ये हो गया 4 हो जाएगी ये 25। कह रहा है कुल उसे लग रहा है 5 घंटा 48 मिनट कुल लग रहा है, कुल कितना हो जाएगा 29 यूनिट बताएंगे कितने के, 5 घंटा 48 मिनट। जब इसको घंटे में चेंज करोगे तो आ जाएगा इसको 29 बटे 5 घंटा आ जाएगा। तो 1 मिनट कितने बताएगी, 1/5 घंटों को बताएगी। तो जहाँ तुम फर्स्ट में आने में जाने निकाल लीजिए दूरी, जहाँ जाने में निकाल लीजिए, हम आने में निकाल रहे थे, आने में जाएगी 4/5 घंटा हो जाएगा या समय हो जाएगा। और तुम्हारी स्पीड दे रखी है और समय दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस बराबर हो जाएगी 25
किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय, हावर्स से हावर्स कैंसिल हो जाएगा, पाँच एक बाम पचम पच्चीस, पाँच को बीस, बीस किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। यहाँ तुम सेकेंड में देख लीजिए, सेकेंड में ऐसे करोगे तो इतने समय आ जाएगा तुम्हारा, इसमें मल्टीप्लाई कराओगे 25 गुणे एक बट्टे पाँच, पाँच घंटा आ जाएगा, और तुम्हारी और दूरी कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है, इसलिए ए किसी स्थान पर पहुंचने में बी की तुलना में 30 मिनट अधिक का समय लगता है, तो बताइए कि ए उस दूरी को कितने समय में तय करेगा। तुमको पहले बता चुके हैं सेम डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, और चाल का अनुपात दे रखा है, फर्स्ट चाल ए की चाल मान लीजिए, ए की चाल कितनी है 3 और बी की 4, और तुमको पहले बता चुके थे चाल स्पीड होती है जो टाइम का अपोजिट होती है, ये हो जाएगी 4 अनुपात। कह रहा है कि ए किसी स्थान पर पहुंचने में बी की तुलना में 30 मिनट अधिक लेता है, तो एक की मतलब यहाँ कितने का अंतर है, एक डिफरेंस एक का, एक बता रहा है कितने को 30 मिनट को, और कह रहा है कि एक की चाल बताइए, तो एक का ए उस दूरी को कितने समय में तय करेगा, तो एक समय निकाल लीजिए, एक का कितना हो जाएगा 120 मिनट, और मिनट को जो घंटे में चेंज करोगे कितना आ जाएगा 2 घंटा आ जाएगा, ए उस दूरी को 2 घंटे में तय करेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 6/7 भाग से चलता है, तो किसी स्थान पर 12 मिनट विलंब से पहुंचता है, तो बताइए कि वह व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से चले तो दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन पहले वाले की तरह है, टेंस सेम है इसकी, 6/7, ये हो गई नई चाल, नया चाल ये हो जाएगी वास्तविक चाल। सेम डिस्टेंस फार्मूला तुमको बता चुके हैं क्या होता है इसका, स्पीड का अपोजिट होता है टाइम, नया चाल कितनी दे रखी है 6, और वास्तविक चाल कितनी है 7, इसका अपोजिट होता है 7:6। कह रहा है कि किसी स्थान पहुंचने पर 12 मिनट विलंब से पहुंचता है, तो एक बता रहा है कि कितने को 12 मिनट को, और पूछ रहा है कि उसकी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा, तो वास्तविक चाल कितनी इसकी है, टाइम निकाल लीजिए कितना जगह 72 मिनट से चलेगा, कुल समय इसको 72 मिनट लगेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, कह रहा है एक पुलिस वाला एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है, पुलिस वाला चोर की चाल का अनुपात 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो बताइए कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी भाग सका होगा। देखते हैं, ये हो गया पुलिस और ये हो गया चोर, कह रहा है कि 200 मीटर की दूरी पर देखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है, समझ लो ये यहाँ से भागना शुरू किया, यहाँ से समझ लो पकड़ा गया, जब तक ये पुलिस वाला यहाँ से इसको पकड़ लिया, ये चोर यहाँ से भागना शुरू किया और इसको देखो सेम टाइम से भाग रहे हैं, टाइम इसको टी टाइम इसको भी लग रहा है और टी टाइम इसको भी लग रहा है, मतलब सेम टाइम से भाग रहे हैं, और इसकी पुलिस की चाल दे रखी है 12
किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और इसको दर टाइम सेम है। इसमें एक टाइम सेम का फार्मूला होता है, सेम टाइम ये होता है डिस्टेंस और स्पीड। और डिस्टेंस स्पीड का सेम होता है तो इसकी चोर की डिस्टेंस कितनी है, चोर की डिस्टेंस पूछ रहा है। ये पुलिस की हो गई डिस्टेंस, पुलिस डिस्टेंस चोर। और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कितनी दूरी, कितनी यूनिट से अंतर कितने का है, 2 यूनिट का अंतर है। 2 यूनिट कितने बता रहा है, 200 मीटर को। तो एक यूनिट कितने को बताएगा, 100 मीटर को। पूछ रहा है कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी भाग सका होगा, चोर कितने गुणा करा दीजिए एक यूनिट, तो बताएगा 10 यूनिट कितने को बताएगा, 1000 मीटर को। मतलब चोर पकड़े जाने से पहले 1000 मीटर की दूरी भाग सका, अगर आई तो पुलिस में गुणा करा देते हैं तो हो जाता 1200 मीटर की दूरी। सेम क्वेश्चन 5 की तरह है कि दो ट्रेनें लखनऊ से इलाहाबाद के लिए क्रमशः 8:30 बजे तथा 9 बजे निकलती हैं, जिनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए कि दोनों ट्रेनें इलाहाबाद से कितनी दूरी पर आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। आइए देखते हैं, समझ लो ये हो गया तुम्हारा इलाहाबाद और ये हो गया यहाँ लखनऊ। तो इसको हम पिछली सेम क्वेश्चन जो बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में, सेम टाइम के लिए देखो, जहाँ से 8 बजे से निकली है ट्रेन, एक 8:30 बजे से निकली और दूसरी छोड़ती है 9 बजे से, और ये 8:30 बजे से निकलती है, ये समझ लो आधा घंटे में यहाँ आ गई। मान लेते हैं ये रायबरेली में पहुँचाई ट्रेन, मान लीजिए कि आधा घंटे में, और इसकी चाल दे रखकर प्रति घंटा, और इसकी चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जो आधा घंटा में इसकी डिस्टेंस कितनी निकल आई, आधा घंटे में कितनी चली आई है, हम लोग आधा घंटे में निकल आई है ये 30 किलोमीटर, ये आधा घंटे में चले, तो समझ लो ये इलाहाबाद से आधा घंटा में रायबरेली आ जाएगी, तो ये आए 9 बजे से। अब ये सवाल सेम 5 की तरह हो गया है कि सेम टाइम ये 30 किलोमीटर कहाँ से निकला है, ये दिया है देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये टाइम दे रखा है आधा घंटा तुम्हारा, ठीक 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और हावर से हावर आ जाएगा, ये 30 किलोमीटर आ जाएगा, ये डिस्टेंस 30 किलोमीटर, आधा घंटे में 30 किलोमीटर चलाई है। तो अब वही सेम टाइम वाला क्वेश्चन आ जाएगा, सेम टाइम तुमको बताए थे डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस इलाहाबाद से डिस्टेंस निकली दीजिए, डिस्टेंस इलाहाबाद कितनी है 75, और डिस्टेंस रायबरेली कितनी इसकी है 60, डिफरेंस कितने का है 15 का, 15 बता रहा कितने को 30 किलोमीटर को दर्शा रहा है। तो एक यूनिट कितने की बताएगी, एक बताएगा 2 किलोमीटर को। कि इलाहाबाद से कितनी दूरी बाद ये ट्रेनें मिलेंगी, तो एक बता रहा है 2 किलोमीटर को, तो 75 कितने का बताएगा 150 किलोमीटर इलाहाबाद से 150 किलोमीटर की दूरी के बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे से आपस में मिलेंगी। ये हो गया ए और ये हो गया बी, और कह रहा है कि
ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं, दो व्यक्ति निकलते हैं, समझ लो ये भी निकला, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। दो व्यक्ति स्थान ए से बी के लिए निकल पड़े हैं और कह रहा है कि क्यों क्यों है जो बी बिंदु से आपस आकर बी बिंदु से आपस आकर 12 किलोमीटर की दूरी पे, 12 किलोमीटर दूरी पे बिंदु पी से मिलता है। यही क्वेश्चन कह रहा है, मैंने वो फिगर बना दिया क्वेश्चन को, समझ लीजिए ये पूरी 60 किलोमीटर थी जिसमें से ये 12 किलोमीटर क्यों चल के आ गया, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 48 किलोमीटर। समझ लो कि पी है जो 48 किलोमीटर दूरी चला और क्यों कितनी चलेगा 72 किलोमीटर। कैसे 72, 60 तो यहां से चल के आ गया। सेम टाइम वाला क्वेश्चन बन गया। क्या होता है डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस पी और डिस्टेंस क्यू। डिस्टेंस पी कितनी चला है दूरी 48 किलोमीटर और चौबीस तिया बहत्तर। कह रहा है पी की चाल क्यू की चाल से 4 किलोमीटर कम चलता है, मतलब एक यूनिट बता रहा कितने को बताएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा को बता रहा है। पूछ रहा है पी और क्यू की चाल कितनी है, क्रमशः पी की चाल बता रहा है तो स्पीड में गुणा करा दी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल किसी आ गई पी की, और क्यू की कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पिता अपने बच्चे को प्रत्येक दिन 3:30 स्कूल लेने पहुंचता है, एक दिन बच्चे का स्कूल 2:30 छूट जाता है और बच्चा 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तरफ निकलता है, रास्ते में उसका पिता मिलता है और दोनों 24 मिनट पहले घर पहुंच जाते हैं, तो पिता की चाल बताइए। देखते हैं, समझ लीजिए ये घर है और ये यहाँ स्कूल है, तो कह रहा है कि एक प्रत्येक दिन बच्चा जाता था, मतलब 3:30 पे बच्चे का स्कूल छूटता था और एक दिन उसका बच्चे का स्कूल 2:30 स्कूल छूट गया और बच्चा यहाँ से चलना शुरू कर दिया है और यहाँ उसके बच्चे के और इधर से बच्चे का पिता यहाँ स्कूल की तरफ, तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर की तरफ निकला और ये और जहाँ पिता बच्चे को लेने के लिए निकल रहा है यहाँ से, तो ये कह रहा है कि दोनों यहाँ से वापस लौटते हैं तो 24 मिनट पहले पहुँच जाते हैं। तो मान लो कि ये 24 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, अगर बच्चा यहाँ से अगर ना वापस आया होता तो ये 24 मिनट यहाँ वापस आ जाते पहले, तो ये 24 मिनट यहाँ यानी 12 मिनट ये यहाँ से जाने लगते हैं और फिर यहाँ वापस आने में 12 मिनट लगते हैं, तो ये 24 मिनट पहले पहुँच रहा है, तो ये यहाँ कितने बजे मिला होगा मतलब पिता को, तो ये मिलेगा 24 में घटा दोगे मिलेगा ये 3:18 पे यहाँ बच्चा स्कूल से इतनी दूरी पे आके बच्चे से मिला, तो ये 18 है और ये 30 है, बच्चे के कितने 48 मिनट में यहाँ बच्चे से मिला मतलब पिता से मिला के 48 मिनट। ये जा रहा है पिता, अब ये फिर सेम डिस्टेंस वाला सवाल आ गया है, सेम डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5 और पुत्र 12 और 48, ये हो जाएगा 48 12 12 कम 12 बात चौक 48,
एक बता रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा को, वो पूछा कि पिता की चाल कितनी हो जाएगी, पिता की, तो ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पिता की चाल आ गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। नंबर 9, सेम क्वेश्चन 8 की तरह है, कह रहा है एक पिता अपने बच्चे को प्रत्येक दिन 5 बजे स्कूल लेने पहुंचता है, एक दिन बच्चे का स्कूल 3 बजे ही छूट जाता है, वो बच्चा घर को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर की तरफ निकलता है और रास्ते में उसका पिता मिलता है और दोनों 40 मिनट घर जल्दी पहुंच जाते हैं और पिता की चाल पूछ रहा है। देख, ये हो गया घर, ये स्कूल। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 8 की तरह है, कह रहा है कि ये यहाँ से निकला, रोज छोड़ता था ये 5 बजे, आज इसका स्कूल छोड़ गया 3 बजे, और ये यहाँ से निकला बच्चा और यहाँ से ये इसके पिता निकले, ये समझ लो यहाँ मिल गया है, तो इसकी चाल कितनी दे रखी है, पुत्र की चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा पुत्र की चाल दे रखी है। यहाँ से वापस आते हैं तो ये 40 मिनट पहले पहुँच रहा है, 40 मिनट तो ये 40 मिनट पहले पहुँच आता है, 20 मिनट तो 20 मिनट तो ये यहाँ कितने बजे मिला होगा, 4:40 पे, 4:40 पे यहाँ मिला आके बच्चे को, पिता मिले, तो फिर यहाँ से रिटर्न हो गए 100 मिनट, सेम डिस्टेंस, फिर क्वेश्चन सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस स्पीड टाइम, पिता पुत्र, पिता की 20 मिनट और 100 मिनट, 100 20 20 से कम 20 20 पंचे 100, पुत्र की चाल दे रखी है प्रति घंटा, पूछ रहा है पिता की चाल 5 20 200 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 10, ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि एक लड़का अपने घर से स्कूल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा स्कूल से घर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरे यात्रा के दौरान लड़के की औसत चाल कितनी है, आइए देखते हैं। औसत चाल का सूत्र होता है 2 × S1 × S2 S1 + S2, में डाल देते हैं, S1 कितना है 60 और S2 कितनी है 40 और S1 + S2 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 × 24 24 × 48 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, औसत चाल है। थैंक यू क्लास।